भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बैनर के तले दर्जनों महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने बुधवार को महानगर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर उपवास रखा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए किसान अध्यादेश कानून वापस लेने की मांग की। उपवास के दौरान राकेश तिवारी, सतीश चंद्र ओझा सहित अन्य किसान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष विनय कुमार शुक्ला ने कहा, भारतीय किसान यूनियन अभी तो ये अंगड़ाई है, किसान अध्यादेश बिल वापस लो, वापस लो। जय जवान जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महात्मा टिकाए तमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा टिकाए तमर रहे, अमर रहे। और मैं बता देना चाहता हूँ, गोरखपुर मंडल से भी हमारी तैयारी है। हम नहीं बताएंगे तारीख, जाने का डेट नहीं बताएंगे आपको, लेकिन दिल्ली हम पहुँच जाएंगे। चारों जनपद से, चारों मंडल से, पूर्वांचल से पहुंच जाएगा। वाले नहीं है, हटेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथियों, अगर मेरा कार्यकर्ता चौरी चौरा से चलता है किसी भी चीज का, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया जाएगा। जब सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा मैं इनका ज्ञापन लेने आया हूं, हिरासत में क्यों लेंगे, और सारे लोग अवाक रह गए। कहने का मतलब है जो पूरे देश का अन्न दे के भोजन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। मजिस्ट्रेट साहब, गोरखपुर से आप बिगुल बजाइए और लिखा पढ़ी करिए, कानून वापस होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और किसान अध्यादेश बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो अनवरत धरना चलेगा और हर जगह चलेगा। मैं आपको ज्ञापन दूंगा, कहने पे किसानों का राय मशवरा नहीं लिए हैं, अगर गलत निर्णय ले लिए हैं तो भगवान किसान को भगवान का रूप लोगों ने दिया है। साथ 2 कदम पीछे हटेंगे, 2 कदम पीछे केंद्र सरकार को हटाना पड़ेगा, जिससे समस्या का समाधान। विनय कुमार शुक्ल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गोरखपुर। आज हम लोग किसान दिवस के रूप में जो आदरणीय किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती मनाई जाती है, उस तिथि पे आज हम लोग भूख हड़ताल कर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो किसान विरोधी बिल सरकार ने पास किए हैं वो तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे कानून बना करके उसको लागू किया जाए।